दोस्तों पेट्रोल के प्राइस इतने ज्यादा धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं कि अभी पेट्रोल की कीमत तो भैया 108 रुपए से भी ज्यादा होने लगी है। आपके शहर में कितने रुपए पेट्रोल चल रही है बताइएगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर। बहुत सारे व्यूअर्स दोस्तों अच्छे अच्छे लोग अब सीएनजी कार की तरफ रुख करने लगे हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैंने काफी रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है कि आखिर इंडिया में कौन कौन सी सीएनजी कार आ रही है, होंडा की, मारुति की, हुंडई की, जो टॉप सेलिंग कारें हैं कौन कौन सी सीएनजी में आ रही है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिना स्किप किए देखिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी कंपनी की कौन सी सीएनजी कार कितने प्राइस में आ रही है। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी रिसर्च करके मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं हमारी प्यारी दुलारी मारुति कंपनी की कि मारुति सुजुकी की कौन कौन सी सीएनजी कार आती है। और सेलेरियो जब से लॉन्च हुई है दोस्तों मार्केट में, इसने तो हल्का सा मचा दिया है। पेट्रोल में ये माइलेज देती है 26 किलोमीटर का, कंपनी क्लेम करती है, और जब ये सीएनजी में चलती है ना दोस्तों 35 किलोमीटर का माइलेज तो कहीं नहीं जाता। लेकिन अगर आप भी सेलेरियो लेना चाहते हैं तो एक बार खुद से टेस्ट ड्राइव ले लें, और जिन लोगों ने भी लिया उनसे फीडबैक ले लें, उसी के बाद आप सेलेरियो खरीदें। क्योंकि सेलेरियो जो है ना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ माइलेज के लिए बनी है। 1000 cc का आपको इंजन मिल जाता है। सेलेरियो सीएनजी VXi में आपको 6,58,000 में आपको एक शोरूम प्राइस इसका प्राइस लगेगा, सेलेरियो सीएनजी VXi। सेलेरियो VXi सीएनजी आपको 6,58,000 में मिल जाएगा एक शोरूम प्राइस। दूसरे नंबर पे दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ पे आती है मारुति सुजुकी डिजायर, जो काफी ज्यादा बिकती है। 1200 cc का आपको इसमें इंजन मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं इसके माइलेज की कि सीएनजी में कितना देती है, तो 31 का माइलेज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और स्विफ्ट डिजायर दोस्तों काफी ज्यादा फेमस कार है, इसके बारे में बताने की तो कोई जरूरत है नहीं। ये जो है ना सीएनजी में दो ऑप्शन के साथ आती है, एक स्विफ्ट डिजायर VXi सीएनजी के साथ, और एक आती है स्विफ्ट डिजायर ZXi सीएनजी के साथ। स्विफ्ट डिजायर VXi सीएनजी का प्राइस है 8,14,000, स्विफ्ट डिजायर ZXi सीएनजी का प्राइस है 8,82,000। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आती है मारुति सुजुकी वेगनार, और नई वेगनार जब से आई है दोस्तों इसने तो धूम मचा दिया, काफी ज्यादा स्पेस के साथ आती है। और मारुति सुजुकी वेगनार काफी विवादों में रहती है, बहुत सारे लोग इसे अच्छा बताते हैं, बहुत सारे लोग इसे निगेटिव पॉइंट भी देते हैं। तो आपको मारुति सुजुकी वेगनार कैसी लगती है बताइएगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर। वेगनार भी दोस्तों 1000 cc के साथ आती है, और इसका अगर हम माइलेज की बात करें तो 34 का माइलेज तो आपको हस्की मिल जाएगा सीएनजी। वेगनार दोस्तों 5,39,000 से 7,10,000 एक शोरूम प्राइस आती है। सेलेरियो, मारुति सुजुकी डिजायर, वेगनार, ये सब 5 सीटर कार है दोस्तों। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मारुति सुजुकी ऑल्टो, हर इंडियंस के दिल से जुड़ा, और ये भी अब सीएनजी में आपको मिल जाती है। और 800 तो माइलेज शुरू से ही अच्छा देती है, और जब इसमें सीएनजी लग जाएगा तो आप सोच ही सकते हैं कितना अच्छा खासा माइलेज आपको मिलेगा। मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 सीएनजी के साथ आती है, दो दो वेरिएंट आपको मिल जाएंगे, एक मिलेगा ऑप्शनल LXi और एक मिलेगा LXi सीएनजी। ऑल्टो 800 LXi SCNG का प्राइस है 4,89,000 रुपए। ऑल्टो 800 ऑप्शनल SCNG का प्राइस है 4,95,000 एक शोरूम प्राइस। 800 cc का इंजन मिल जाएगा, 31 का माइलेज मिल जाएगा सीएनजी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मारुति की कार आती है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। मारुति एस्प्रेसो की प्राइस है 3,85,000 से लेके 5,56,000 तक एक शोरूम प्राइस। ये भी 1000 cc के इंजन के साथ आती है, और 31 किलोमीटर पर kg सीएनजी का आपको माइलेज मिलेगा। और एस्प्रेसो आपको मिल जाती है 4-4 सीएनजी के ऑप्शन में, एक LXi CNG, एक LXi ऑप्शनल CNG, एक VXi CNG और एक VXi ऑप्शनल CNG, जो आप लेना चाहते हैं उठा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आती है सबसे बड़ा नाम मारुति अर्टिगा 7 सीटर CNG के साथ। इससे सस्ती और अच्छी कार तो मुझे कोई दिखती ही नहीं है, और XL6 के नेक्सा के प्लेटफॉर्म पे बनी है, तो इसका लुक भी जबरदस्त है और परफॉर्मेंस तो आपको अच्छा मिल ही जाता है। 7 सीटर के हिसाब से ये मिनी इनोवा है दोस्तों, तो अगर आप लेना चाह रहे हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा CNG तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। 8,12,000 से 10,85,000 एक शोरूम प्राइस आती है। मारुति सुजुकी अर्टिगा आपको मिल जाती है CNG के साथ, अर्टिगा VXi CNG 1462 मतलब 1500 cc का आपको इंजन मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके माइलेज की तो 26 का माइलेज तो आपको अच्छा खासा मिल ही जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मारुति की एक और कार आ जाती है मारुति सुजुकी इको, और ये भी दोस्तों काफी डिमांडेड है, लोग फैमिली पर्पस के लिए भी यूज करते हैं और कमर्शियल पर्पस के लिए तो यूज होती है। ये सीएनजी में एक ऑप्शन के साथ आती है, और ये है मारुति सुजुकी इको 5 सीटर CNG
एसी वाली, और इसका एक शोरूम प्राइस है 5,85,000 एक शोरूम प्राइस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सीएनजी की तरफ, तो यहाँ पे नाम आता है टाटा कंपनी का। टाटा कंपनी के यहाँ पे दो दो कार मैं आपको बताने वाला हूँ जो सीएनजी के साथ आती है, और बिल्ड क्वालिटी भी काफी जबरदस्त मिलता है। अगर मुझसे कोई पूछे ना कि भैया हमारा बजट 8 लाख के आसपास है तो हमें कौन सी सीएनजी कार उठानी चाहिए, तो मैं तो उन्हें कहूंगा कि भैया आप जो है ना आग बंद करके मारुति कार मत उठाना, आप उठा लो टाटा टियागो। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, माइलेज भी जबरदस्त मिलेगा और सेफ्टी भी मिलेगी। हाँ ये है कि सैलरियों से आपको थोड़ा कम माइलेज मिलेगा, लेकिन खुश रहोगे अगर आप टाटा टियागो लोगे या फिर टाटा टिगोर लोगे। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे टाटा टियागो सीएनजी की। टाटा टियागो एक शोरूम प्राइस आती है 5,27,000 से 7,67,000 रुपये एक शोरूम प्राइस। टाटा टियागो 1200 सीसी के साथ आती है, और अगर हम बात करें कि सीएनजी में कितना माइलेज देती है दोस्तों, तो ये 26 किलोमीटर पर केजी सीएनजी आपको अच्छा खासा माइलेज दे देगी, 26 का माइलेज सीएनजी में। और सेफ्टी बिल्ड क्वालिटी का इशू तो इसमें है ही नहीं, अच्छा खासा सेफ्टी आपको मिल जाता है टियागो में। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों टाटा टियागो कौन से वेरियंट में सीएनजी के साथ आती है, तो ये सभी वेरियंट में सीएनजी के साथ आती है, जो आपको पसंद है उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों टाटा टिगोर, ये भी एक ऐसी कार है ना, मतलब सॉलिड कार है। अगर हम बात करते हैं इसके एक शोरूम प्राइस की, तो 5,82,000 से 8,84,000 एक शोरूम प्राइस आता है, और ये भी दोस्तों आपको 26 का माइलेज दे देती है। और ये आती है सीएनजी के तीन ऑप्शन के साथ, एक जेट सीएनजी, एक जेट प्लस सीएनजी और एक जेट प्लस डुअल टोन सीएनजी, जो आपको पसंद है दोस्तों उठा सकते हैं। तो मारुति का मैंने बता दिया, टाटा का मैंने बता दिया, अब बात करते हैं हुंडई की। काफी गुड लुकिंग अच्छी खासी क्वालिटी वाली हुंडई ऑरा। अगर हम बात करते हैं इसके एक शोरूम प्राइस की, तो 5,99,000 से 9,37,000 तक जाती है। 1200 सीसी का आपको इंजन मिल जाता है इसमें, और कंपनी क्लेम करती है कि सीएनजी में 28 का माइलेज ये देती है। तो हुंडई ऑरा भी दोस्तों एक अच्छा ऑप्शन है, सेफ्टी के साथ आती है और ये भी सीएनजी में अच्छा खासा आपको माइलेज दे देती है। अब बात करते हैं हुंडई की एक और कार, हुंडई सेंट्रो। और आपको नई सेंट्रो का लुक कैसा लगता है बताइएगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर। अगर हम बात करते हैं दोस्तों सेंट्रो की, तो ये 1100 सीसी इंजन के साथ आती है और 30 किलोमीटर पर केजी सीएनजी का माइलेज देती है। ये सीएनजी में दो ऑप्शन के साथ आती है, सेंट्रो मेगना सीएनजी और सेंट्रो स्पोर्ट सीएनजी। सेंट्रो मेगना सीएनजी का प्राइस 6,09,000 है और सेंट्रो स्पोर्ट सीएनजी का प्राइस 6,38,000 एक शोरूम प्राइस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हुंडई की i10 नियोस, ये जो है ना दोस्तों ये भी एक ऐसी कार है जो बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। परफॉर्मेंस भी इसका काफी अच्छा रहता है और लुक वाइज तो अच्छी लगती है, और ये भी आपको सीएनजी में देखने को मिल जाती है। जिस तरह सेंटो में आपको मेगना सीएनजी और स्पोर्ट सीएनजी मिला, इसी तरह इसमें भी आपको ग्रैंड i10 नियोस मेगना सीएनजी 7,07,000 में सीएनजी के साथ आती है, और दूसरा ऑप्शन जो है ग्रैंड i10 नियोस स्पोर्ट सीएनजी 7,60,000 एक शोरूम प्राइस आती है, और ये 1200 सीसी इंजन के साथ आती है और माइलेज आपको 25 प्लस मिल ही जाता है सीएनजी में। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हुंडई की एक और जबरदस्त कार आ जाती है सीएनजी में, हुंडई एक्सेंट प्राइम। ये सीएनजी में भी आती है, 1200 सीसी इंजन के साथ आपको मिल जाती है। ये सीएनजी के दो ऑप्शन के साथ आती है, एक्सेंट प्राइम टी प्लस सीएनजी 7,25,000 एक शोरूम प्राइस, एक्सेंट प्राइम टी प्लस एम सीएनजी 7,29,000 एक शोरूम प्राइस, और ये भी दोस्तों आपको 25 प्लस माइलेज दे देता है आराम से। तो ये थी दोस्तों इंडिया में आने वाली कुछ खास सीएनजी कार, आपको इनमें से कौन सा पसंद आया बताइएगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर। और भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके भी कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट से बताना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।